श्री ओंकारेश्वर श्री ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग। यह ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश में पवित्र नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। इस स्थान पर नर्मदा के दो धाराओं में विभक्त हो जाने से बीच में एक टापू सा बन गया है। इस टापू को माधाता पर्वत या शिवपुरी कहते हैं। नदी की एक धारा इस पर्वत के उत्तर और दूसरी दक्षिण होकर बहती है। दक्षिण वाली धारा ही मुख्य धारा मानी जाती है। इसी माधाता पर्वत पर श्री ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का मंदिर स्थित है। पूर्व काल में महाराज माधाता ने इसी पर्वत पर अपनी तपस्या से शिव को प्रसन्न किया था। इसी से इस पर्वत को माधाता पर्वत कहा जाने लगा। इस ज्योतिर्लिंग मंदिर के भीतर दो कोठरियों से होकर जाना पड़ता है। भीतर अंधेरा रहने के कारण यहाँ निरंतर प्रकाश जलता रहता है। ओंकारेश्वर लिंग मनुष्य निर्मित नहीं है, स्वयं प्रकृति ने इसका निर्माण किया है। इसके चारों ओर हमेशा जल भरा रहता है। संपूर्ण माधाता पर्वत ही शिव का रूप माना जाता है, इसी कारण इसे शिवपुरी भी कहते हैं। लोग भक्ति पूर्वक इसकी परिक्रमा करते हैं। कार्तिकी पूर्णिमा के दिन यहाँ बहुत भारी मेला लगता है। यहाँ लोग शिवजी को चने की दाल चढ़ाते हैं। रात्रि की शिव आरती का कार्यक्रम बड़ी भव्यता के साथ होता है। तीर्थयात्रियों को इसके दर्शन अवश्य करने चाहिए। इस ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दो स्वरूप हैं। एक को ममलेश्वर के नाम से जाना जाता है। यह नर्मदा के दक्षिण तट पर ओंकारेश्वर से थोड़ी दूर हटकर है। पृथक होते हुए भी दोनों की गणना एक ही में की जाती है। लिंग के दो स्वरूप होने की कथा पुराणों में इस प्रकार दी गई है। एक बार विंध्य पर्वत ने पार्थिव अर्चना के साथ शिव की 6 मास तक कठिन उपासना की। उनकी इस उपासना से प्रसन्न होकर भूत भावन शंकर जी वहां प्रकट हुए। उन्होंने विंध्य को उनके मनोवांछित वर प्रदान किए। विंध्याचल की इस वर प्राप्ति के अवसर पर वहां बहुत से ऋषिगण और मुनि भी पधारे। उनकी प्रार्थना पर शिव जी ने अपने ओंकारेश्वर नामक लिंग के दो भाग किए। एक का नाम ओंकारेश्वर और दूसरे का ममलेश्वर पड़ा। दोनों लिंगों का स्थान और मंदिर होते भी दोनों की सत्ता और स्वरूप एक ही माना गया है। शिव पुराण में इस ज्योतिर्लिंग की महिमा का विस्तार से वर्णन किया गया है। श्री ओंकारेश्वर और श्री ममलेश्वर के दर्शन का पुण्य बताते हुए नर्मदा स्नान के पावन फल का भी वर्णन किया गया है। प्रत्येक मनुष्य को इस क्षेत्र की यात्रा अवश्य ही करनी चाहिए। लौकिक पालौकिक दोनों प्रकार के उत्तम फलों की प्राप्ति ओंकारेश्वर की कृपा से सहज ही हो जाती है। अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष के सभी साधन उसके लिए सहज ही सुलभ हो जाते हैं। अंततः उसे लोकेश्वर महादेव शिव के परमधाम की प्राप्ति भी हो जाती है।